इंतजार कर रहे थे 12,460 की सुनवाई के लिए। वो टीम के द्वारा और सभी अभ्यर्थियों का मेहनत का फल है कि उन्होंने दिन और रात ज्ञापन दिए, सांसद जी से और विधायकों से मिलना गया है और अधिकारियों से, और अधिकारियों को फ़ोन करा गया, को दबाव बनाया गया, जिससे धरना भी दिया गया, जिससे आज अपना केस का नंबर था और अपना केस जो है 12 बजे के आसपास टेकअप हुआ और 12 बजे से लगातार सुनवाई की गई और काफ़ी समय दिया गया कि और उसमें सुनवाई में उपेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा बहस की गई है और उसमें कुछ अभ्यर्थियों द्वारा भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है कि सूची बहाल हो जाएगी या ऐसे वैसे। भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, जीरो के पार्टिसिपेशन की बात की जा रही है। दूसरी तरफ यह है कि इससे जीरो की तरफ से अभी परिहार सर भी बहस करें, अनिल सर भी बहस करेंगे, क्या उनकी तरफ से एलपी मिश्रा जी भी बहस करेंगे, सुदीप सर भी बहस करें, अन्य भी वकील हैं। सबसे मेन जो है इनकी उससे ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा, महत्व जो दिया जाएगा वो सरकारी वकील की बहस पर दिया जाएगा। तो कोई भी अभ्यर्थी निराश ना हो और सभी अभ्यर्थी परेशान ना हो, क्योंकि उद्देश्य यही है कि सारे पद भर लिए जाएं दोबारा काउंसलिंग होकर, जिससे कोई भी अभ्यर्थी अरे मेरिट गिराकर दोबारा सारे पद भर लिए जाएं काउंसलिंग कराकर। और काउंसलिंग जब तक होनी चाहिए जब तक सारे पद न भर लिए जाएं। सरकारी वकील अभी इसमें बहस करेगा, आज की बहस समाप्त हो चुकी है, 6 मई की इसमें डेट लगी है परसों की। तो सभी अभ्यर्थी आपस में एक दूसरे पे कमेंट बॉक्स उसमें ग्रुप में एक दूसरे पे भद्दे कमेंट ना करें या एक दूसरे से सभी एकता बनाए रखें। देखो भर्ती होगी, अपने उससे होगी, सरकार पे दबाव यही बनाओगी पद सारे भर लिए जाएं मेरिट गिराकर और दोबारा काउंसलिंग कराकर। आपस में करने से कुछ नहीं होगा। तो अभी तक की भैया यही अपडेट की, आगे जैसे कोई अपडेट मिलेगी हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे। और भैया एक बात हो रहा, आप वीडियो देख लेते हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें हमारे, जैसी हमें कोई अपडेट मिलेगी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो यदि हमारी दी गई जानकारी आपको भैया अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ ताज़ा अपडेट के लिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।